नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स क्रीम जो कि बालों के लिए है, कौन सा बेस्ट है, कितना कॉस्ट है और कितने में आप खरीद सकते हैं। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स और क्रीम हैं, अलग अलग ब्रांड के हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर से। सबसे पहले आप इनकी बात करें, तब तक इन लोगों को साइड करें। सबसे पहले बात करते हैं, ये है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल जैसा कि आप जानते हैं, ये बालों के DTH ब्लॉकर है, DTH को ब्लॉक करता है, जिससे हेयर फॉल रुक जाते हैं और नए हेयर आने के चांसेज है। मैं ये नहीं कहता कि आएंगे ही, लेकिन आने के चांसेस बहुत है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है। इसका देखिए आप कॉस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका 256 रुपीज़ है मात्र, छोटे से बोतल का कॉस्ट इतना है। ये बहुत ही कॉस्टली है। इसका मेन मैकेनिज्म है कि DTH को ब्लॉक करता है, अल्फा 5 रिएक्टेज को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, अलग अलग कंपनी के मिल सकते हैं। मिनी टॉप है, फिर से फिनेस्ट्रेट के साथ इसको लेना है या नहीं लेना है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये आप देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है हिमालय का प्रोडक्ट। आप शायद इसे जानते भी होंगे, ये हिमालय का एंटी हेयर फॉल लॉस क्रीम है। देखिए, एक्चुअली यूज़फुल है, ग्रोथ को, हेयर के ग्रोथ को बढ़ाता है, थोड़ा डेंसिटी भी बढ़ाता है। एक्चुअली इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट हैं जिसको यूज करने से ये बहुत ही फ़ायदा करता है, जैसे कि पलासा हुआ एक, उसके फ्लावर्स को लेके ये बनाते हैं। ये यूजफुल तो है, लेकिन ये एलोपेसिया, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया में ये यूज़फुल नहीं है। एंड्रोजेनिक एलोपेसिया में आप इसको नहीं यूज कर सकते, हालांकि एंड्रोजेनिक एलोपेसिया में आप इसको मिनोक्सिडिल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि इचिंग उचिंग होने लगते हैं इसके यूज़ करने से। इसको ये यूज़ कर सकते हैं, अभी तक तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। इसमें दो, एक पलासा और पशुपेदा को यूज़ किया गया है। ये बहुत ही, हिमालय बहुत ही पुरानी कंपनी है, आप इसको यूज कर सकते हैं, सही है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं आया। कॉस्ट हालांकि इसका भी बहुत ज़्यादा है, इसका कॉस्ट मार्केट में 330 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। 330 रुपीज़ देने के बाद डिस्काउंट मिनिमम 20 रुपीज़ मिल सकते हैं, फिर भी ये कॉस्टली है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी की हिमालय का ही एक है ये स्प्रे, हिमालय हेयर जोन स्प्रे है। ये 60 ml के पैक स्प्रे में आता है, आप इसको स्प्रे कर सकते हैं नहाने के बाद, सोने से पहले। हालांकि इसकी भी कॉस्टली है, ये सब ये 240 में मिलेगा मार्केट में। हालांकि पहले ये थोड़ा 100 समथिंग में आता था, लेकिन ज़्यादा डिमांड होने के कारण इसका प्राइस हाई हो चुका है। इसको आप कुछ नहीं करना है, बस बालों पे स्प्रे करना है। देखिए, ये भी है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा कर सकता है, फिर से लाने के लिए वापस के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप मिनिमम 3 मंथ्स यूज़ करना पड़ेगा, कोई सा भी प्रोडक्ट हो मिनिमम 3 मंथ यूज़ करना पड़ेगा। आप इसको कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये अमेजोन से और कहीं से, लिंक ऐसे मैं दे दूंगा, आप चाहे तो बाहर से भी खरीद सकते हैं। आइए हम अब तीसरी बात करते हैं। तीसरा है ये हेयर फॉर श्योर। जब ये आया था मार्केट में, उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था हेयर फॉर श्योर फॉर हेयर, बट क्लिनिकल अप्रूवल लिखा है, लेकिन जहाँ तक मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट में बोला, ये उतना यूज़फुल नहीं है। कॉस्ट भी इसकी बहुत हाई है, आप कॉस्ट यहाँ देख सकते हैं, 800 रुपीज़ कॉस्ट है। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट, इचिंग उचिंग साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप ना ले ही तो अच्छा है, चूँकि 800 रुपीज़ वेस्ट करना, 3 मंथ कंटिन्यूसली आपको ख़रीदना पड़ेगा, 6-7 बोतल लग जाएंगे इतने पैसे वेस्ट करने से, बाल भी आना ना आना कोई गारंटी नहीं है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन सबसे बेस्ट है, आप कौन सा ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये है पम्पकिन सीड ऑयल। हालांकि ये रिसर्चों से पता चला है कि पम्पकिन सीड ऑयल में DTH ब्लॉकर होता है, एक एंजाइम होता है जो DTH को ब्लॉक करता है। ये प्रोस्टेटिक कैंसर में भी बहुत यूजफुल होता है पम्पकिन सीड ऑयल। हालांकि जैसा कि इसका भी कॉस्ट कोई कम नहीं है, इसको मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, इसका कॉस्ट अराउंड 200 समथिंग मुझे मिला एक्चुअली अमेजोन से। देखिए, लिखा हुआ तो 899 है, लेकिन इसको आप 300 समथिंग या 400 के आसपास में अलग अलग कंपनी का मिल जाएगा। 899 है, लेकिन अमेजोन पे मैं लिंक दे दूंगा, अमेजोन पे बहुत ही चीप कॉस्ट में ये मिल सकता है। इसका एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया था स्पेशली ऑन दिस पम्पकिन सीड ऑयल। ये यूजफुल है, रात में लगाइए, लेकिन वही मैं फिर से वही बात करूँगा कि ये अलग अलग इफ़ेक्ट अलग अलग इंसान पर निर्भर करता है, हो सकता है आपको फ़ायदा करे, नहीं कर सकते। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है, देखिए, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एक्चुअली आप एक कैरियर ऑयल है, किसी जैसे कि पम्पकिन सीड ऑयल के साथ मिला के आप इसको यूज कर सकते हैं, फ़ायदा करेगा। ऐसे जनरली अगर सिर्फ इसको यूज़ करिएगा तो नॉर्मल हेयर के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकी के लिए अच्छा नहीं है। तो फाइनली मैं चाहूँगा कि मैं कौन सा आपको रेफर करूँ, अकॉर्डिंग टू मी
इसके लिए मैं आपको रेफ़र करता हूँ, आप दो चीज़ यूज कर सकते हैं। एक तो आप हिमालय का हेयर जोन यूज कर सकते हैं, चूँकि ये बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक इंडिया की कंपनी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगी इसको यूज़ करने से। दूसरा है कि आप क्रीम नहीं यूज़ करें, कॉस्टली है, कुछ अच्छा बेनिफिट नहीं है। दूसरा है पम्पकिन सीड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, सोने से पहले नहाने के बाद उसको लगा सकते हैं। एक बात आपको बता दूँ, बहुत लोग कमेंट में पूछा था कि हिमालय हेयर जोन पे तो लिखा है एलोपेसिया में भी वर्क करता है। दोस्तों मैं बता दूँ, ये एलोपेसिया एरेटा है, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, इसलिए आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए, अगर आपके बाल पूरे ख़त्म हो चुके हैं तो मैं कहूँगा तो नहीं यूज़ करें, इसका कोई जेनेटिक का कोई तोड़ नहीं है, आप नहीं यूज़ करें, हेयर ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, सबको बताइए इसके प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई आपका डाउट है किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।